हेलो दोस्त, माय नेम इज़ सौर। आज डेट 23 मार्च 2023 है। आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे या फिर आप इस वीडियो में आप उससे सीखेंगे। जो आपकी ये जो वीडियो रहेगा इसमें जो है जो करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तथा हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर से लगभग 4-5 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको या फिर आपके जो है डेली माइंड जो न्यूज़ है या फिर जो आप डेली के जो करंट अफेयर देखते हैं तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, आप उससे सॉल्व कर सकेंगे। जैसे आज जो है 23 मार्च है और 23 मार्च को क्या क्या कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे बताएंगे बरुंडी ए भू आबद पूर्व अफ्रीका देश ने 30 से अधिक वर्षों में पहले पोलियो प्रकोप की घोषणा की है। बताएंगे 30 से अधिक वर्षों में पहले पोलियो प्रकोप की क्या की है घोषणा की है। बताएंगे हाल ही में विदेशी मंत्री जयशंकर ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा किस चीज़ का बताएंगे जेफरी बाबा प्रदर्शन का किया है उन्होंने उद्घाटन। हाल ही में बताएंगे जापानी पीएम फुलियो किशिदा, तो बताएंगे जापान के पीएम कौन है, फुलियो किशिदा ने पीएम मोदी जी 7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया इन्होंने। बताएंगे हाल ही में इस्पात मंत्रालय लोहे की जो लोहा मंत्रालय बोलेंगे या इस्पात मंत्रालय ने विशेष इस्पात के लिए इन्होंने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के तहत 27 कंपनियों के साथ 57 समझौते जापान पे हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। बताएंगे हाल ही में 2023 ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट स्विट्जरलैंड के बासेल में शुरू हुआ है। तो जो ये ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है बताएंगे स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के जो एक सिटी है बासेन सिटी में क्या हुआ है शुरू हुआ है। बताएंगे हाल ही में भारत के अक्षदीप सिंह ने एशियन 20 किमी पैदल चलकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, प्रियंका गोस्वामी ने कांस्य पदक जीता है। तो सबसे लंबे पैदल चलने वाले व्यक्ति रहे हैं अक्षदीप सिंह। बताएंगे हीमा दास एनसी सोजान ने इंडिया ग्रापी 1 में 200 मीटर और लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। बताएंगे यह रायबरेली स्टेडियम का नाम हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बताएंगे हाल ही में दूसरी अफ्रीका भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास एफिनडेक्स 2023 पूरे भारत में शुरू हुआ है। भारत में पूरा कहाँ है, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। बताएंगे अनंत गोयन कान के इस्तीफा के बाद CEAT ने अनब बनर्जी को प्रबंध निर्देशन MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। बताएंगे संगीत अकादमी द्वारा कर्नाटक गायक बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। बताएंगे हाल ही में नेपाल विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेन्सकिंग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है। बताएंगे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने बंगलोर में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। बताएंगे हाल ही में 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। बताएंगे रणवीर सिंह ने 1500 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ा इन्होंने। बताएंगे केरल के पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी पद्मा लक्ष्मी पहली ऐसी जो है वकील है जो ट्रांसजेंडर है, ना मेल है ना फीमेल है। वकील के रूप में केरल बार काउंसलिंग की सूची में हुई शामिल। बताएंगे हाल ही में तमिलनाडु के 18वां वन्य जीव अभयारण्य
इरोड जिले में बनाया गया या बनेगा। नए वन्य जीव का नाम थन थाई परियार वन्य जीव अभयारण्य रखा जाएगा। बताएंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में एक बताएंगे प्रसिद्ध प्रसिद्ध डल झील में इरेडर कम टार्सिंग फाउंडेशन का करेंगे उद्घाटन। दोस्त ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको आने वाले परीक्षा में हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।